हाय एवरीवन, मैं हूँ अनीमा। रेसिपीज बाय अनीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ये लीजिए मजेदार आलू का पिज्जा, आलू का नाश्ता, जिसे बच्चों को दीजिए, खुद खाइए, बड़ों को दीजिए, गिल्ट फ्री दे सकते हैं क्योंकि ये पौष्टिकता से भरपूर है। आजकल बच्चे पिज्ज़ा की डिमांड बहुत करते हैं, तो उनको ये पिज़्ज़ा खिलाइए ताकि बच्चे भी खुश और आप भी खुश, और इसे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाते हैं और अपने वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक आलू को अच्छे से छील लिया है, उसको अच्छे से धो लिया है। उसके बाद मैं इसके स्मॉल पीसेस करूँगी। इसके पीसेस अगर स्मॉल रहेंगे तो ये ईजिली कुक हो जाएंगे, जो कि हमारे रेसिपी की रिक्वायरमेंट भी है। और आलू को आप जब भी काटते हैं तो उसको पानी में डालिए, उससे आलू जो है वो काला नहीं होता है और उसका टेक्सचर और टेस्ट भी मेंटेन रहता है। इसके बाद आलू को अच्छे से वॉश करना चाहिए ताकि इसका जो स्टार्च है वो हट जाए, तो आलू टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी हो जाता है। इसको अच्छे से मैंने धो करके वॉश करके ले लिया है। अब एक पैन लेंगे। अभी पैन हमारा गर्म नहीं है, इसमें डायरेक्ट ही बिना गर्म ही हमें पैन में आलू डाल लेना है। यहाँ पे मैंने कॉर्न डाल लिया है, स्वीट कॉर्न है ये डाल लिया है। यहाँ आप कैप्सिकम वगैरह भी डाल सकते हैं, कुछ अदर वेजिटेबल्स जो आप पसंद करते हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें बटर ऐड कर रही हूँ। देखिए ये बटर मैंने ले लिया है थोड़ा सा, और इसमें मैं कुकिंग ऑयल भी डाल रही हूँ। तो ऑयल और बटर का मुझे कॉम्बिनेशन पसंद है तो मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ बटर या सिर्फ ऑयल में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है, ज़्यादा नमक नहीं हो इसका ध्यान रखना है। यहाँ साथ ही के साथ में थोड़ा सा इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर मैं चार अंडे ले रही हूँ। जो आपने देखा है उतना साइज बनाने के लिए मुझे चार अंडे की ज़रूरत हो रही है। आप चाहें तो साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग आप इंग्रेडिएंट भी बढ़ा या घटा सकते हैं। तो अब इसको हमें करना क्या है, इसको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि अगर अंडे को जितने अच्छे से आप फेटेंगे उतना फ्लफीनेस इसके अंदर आता है। तो अच्छे से मैंने फेट लिया है। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, और ध्यान रखिए क्योंकि नमक हमने आलू में भी ऐड किया है। यहाँ पे पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल रही हूँ, ओरिगैनो सीजनिंग जो होता है, चाट मसाला जो है वो डाल लिया है। इससे पिज़्ज़ा वाला टेस्ट आएगा और बहुत टेस्टी लगता है। साथ ही के साथ यहाँ पे धनिया पत्ता और प्याज जो है चॉप करके रखा था उसको भी डाल लिया है, और बस मिक्स मिक्स एंड मिक्स, और ये मिक्स हो गया। उसके बाद बेस तैयार करना है, थोड़ा सा बेस भी उसमें क्रंचीनेस भी आना चाहिए। उसके लिए मैंने यहाँ पे चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर ले लिया है इक्वल अमाउंट में, और उसमें से मैंने 2 चम्मच अभी इसमें ऐड किया है। बाकी को हम रखेंगे क्योंकि बाकी हमारा बाद में यूज होगा। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा कॉर्नफ्लोर और चावल का जो आटा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। चावल के आटे के जगह आप चाहें तो इसमें मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हेल्दी बनाना है इसलिए मैंने मैदा यूज़ नहीं किया है। और अंडा तैयार हो गया इसका मिक्सचर। तो यहाँ जो आलू और कॉर्न है इसको कुक कर लेते हैं। इसके लिए मैंने मीडियम टू लो हीट पे इसको कुक करना है हमें, ताकि इसी बीच हमारा जो बटर है वो मेल्ट होगा और जो हमारा पोटैटो और कॉर्न है वो भी अच्छे से कुक हो जाएगा। तो इसके लिए हमें इसको क्या करना है, इसको ढक करके हमें 1-2 मिनट के लिए छोड़ देना है, और 1-2 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। तो 2 मिनट हो गया है और मैं इसको चेक कर लेती हूँ एक बार, और ये देखिए कुक होना शुरू हो गया है ना। बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है और सब बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है क्योंकि कॉर्न बटर और आलू का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा होता है। अभी आलू सॉफ्ट नहीं हुआ है तो हम इसे 1-2 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे ढक करके, ताकि आलू सॉफ्ट हो जाए। तो 2 मिनट और मैंने कुक कर लिया है, और अब मैं चेक करूंगी कि आलू सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। वैसे देख करके तो लग रहा है कि आलू कुक हो गया है, और ये देखिए मैं इसको देख रही हूँ, हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब एग मिक्सचर जो हमने तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देना है, और एक जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं उसी तरीके से मोटा सा लेयर, लेकिन हाफ मिक्सचर आपको अभी डालना है और हाफ को अभी आपको रखना है, उसको बाद में हम डालेंगे। और इस मिडिल लेयर में हमें क्या डालना है, हमें चीज़ डालना है। तो यहाँ पर मैं चीज़ स्लाइस है
उसको डाल रही हूँ। आप यहाँ पे चीज ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, और जो पनीर मैंने बोला था कि एक जगह और आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप पनीर का लेयर भी डाल सकते हैं, उससे भी ये बहुत टेस्टी हो जाता है। तो चीज हमने डाल दिया है, और चीज के ऊपर बाकी का जो एक मिक्सचर है उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। देखिए इसको ऊपर से डाल देंगे ताकि ऊपर से एक लेयर बन जाए। और अब हमें गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देना है ताकि ये लो पे अच्छे से कुक हो जाए और जो नीचे का लेयर है वो जले भी नहीं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। ढक करके लगभग 4 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी, और 4 मिनट होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए नीचे भी हल्का लेयर बन गया है और ऊपर में चीज़ मेल्ट हो गया है, तो ऊपर में चीज़ अगर मैं पलटूंगी तो चीज़ जल जाएगा। इसके लिए उसके ऊपर मैंने जो राइस फ्लोर और कॉर्नफ्लोर लिया था उसमें हल्का सा सॉल्ट डाल दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल के मिक्स करके उसको थोड़ा सा लेयर बनाना है हमें। 2 चम्मच या 1 चम्मच जितना भी आपको लगे हल्का सा डाल के, जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से लेयर बनाना है। और यहाँ पे स्पून से मैं हल्का हल्का प्रेस कर रही हूँ ताकि जो एग मिक्सचर है उसके साथ मिक्स होके एक लेयर बना दे, जैसे पिज्ज़ा का क्रस्ट होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके का। तो बस इसको ढक करके 2 मिनट और मैंने कुक कर लिया है, पहले 4 मिनट कुक किया था अब 2 मिनट। तो लगभग 6 मिनट में ये लाइट ब्राउन सा नीचे से हो गया, और जैसे ये लाइट ब्राउन दिखने लग जाए एक लेयर बन जाए, वैसे ही हमें इसको एक प्लेट के हेल्प से पलट लेना है। आप डायरेक्ट भी पलट सकते हैं लेकिन डायरेक्ट में टूटने का डर होता है, तो प्लेट के हेल्प से पलट लेंगे। और ये देखिए है ना मज़ेदार, बहुत मज़ेदार बना है। तो बस इसके बाद मैं इस पैन को वापस से डाल दूंगी, और इसमें क्या करना है, थोड़ा सा बटर डाल लेना है ताकि दोनों साइड से अच्छे से कुक हो जाए। अगर आप ओवन में बेक करते हैं तो अपर एंड लोअर दोनों साइड ईजिली कुक हो जाता है, लेकिन पैन में कुक कर रहे हैं तो हमें दोनों साइड इसको पलट के सेकना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए बटर मेल्ट हो गया है, और इसको वापस से इस प्लेट में इसी स्पैचुला के हेल्प से मैं इसको डाल दूंगी, और थोड़ा ध्यान रखना है ताकि ये टूटे नहीं। और ये देखिए तो दूसरे साइड भी हमने पलट लिया इसको, और दूसरे साइड भी हमें लगभग 3 से 4 मिनट एकदम लो फ्लेम पे इसको कुक करना है, ढक करके कुक करना है। तो मैंने ढक दिया है, और 3 से 4 मिनट बाद इसको चेक कर लूँगी। दूसरे साइड भी लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए, उसके बाद आपको इसको निकाल लेना है। तो बस ये देखिए वापस से उसी प्लेट के हेल्प से मैं इसको पलट लूँगी, और ये देखिए दूसरे साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ, है ना, लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। आपको और थोड़ा सा क्रिस्पी चाहिए तो थोड़ी देर क्रिस्प कीजिए, अदरवाइज लीजिए ये बन के हो गया तैयार। तो ऐसे ही इस रेसिपी को बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, तो इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे रेसिपी की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ ऐसे ही मज़ेदार और ट्विस्ट वाली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अपना ध्यान रखिए।